मुरादाबाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करने हेतु मुरादाबाद के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भेजा, जिसमें कहा गया है कि संगठन की लंबित मांगों पर अनेकों बार शासन से वार्ता होकर सहमति बन चुकी है, परंतु अभी तक शासनागे निर्दिष्ट नहीं हुआ, जिसके कारण शिक्षोत्तर वर्ग में रोष व्याप्त है। इन सभी मांगों को लेकर एवं संगठन को मजबूत करने के लिए जिला मंत्री ने समस्त साथियों को एकजुट होकर मजबूत करने का आह्वान किया और मांगे पूरी न होने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सब किस संबंध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश के जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय हैं, सभी में आज एक साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे शिक्षणोत्तर वर्ग जो माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारी हैं, उनकी एक लंबे समय से जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं। इससे हमारा जो कर्मचारी वर्ग है बहुत ही आक्रोशित है, आंदोलित है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो हमारे जो कर्मचारी शिक्षक पद की योग्यता रखते हैं, बीएड हैं, एलटी हैं, उनको हमारी मांग ये है कि शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जाए। और दूसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्राप्त है, लेकिन हम कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी गई है। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि जो सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है कर्मचारियों पर, अप्रैल 2005 के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन पे नई पेंशन योजना लागू की गई है। हम सभी कर्मचारी ये मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों को चिकित्सीय अवकाश की सुविधा सरकार द्वारा दे दी गई है, लेकिन हम